Welcome and hello everyone. Welcome to my channel. Let's learn English with Maria. Today's topic, which I am going to cover it up, is 7 steps to success. Discipline yourself to do what you know you need to do to be the very best in your field. Perhaps the best definition of self discipline is this self discipline is the ability to make yourself do what you should do. When you should do it, whether you feel like it or not, it is easy to do something when you feel like it. It's when you don't feel like it and you force yourself to do it anyway that you move your life and career onto the fast track. What decisions do you need to make today in order to start moving toward the top of your field? Whatever it is. Either to टू गेट इन और गेट आउट मेक अ डिसीजन and एंड देन गेट this दिस सिंगल alone कैन चेंज द होल डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ आज का मौजू जो मैंने सबके लिए सिलेक्ट किया है वो है कामयाबी के सात कदम या सात कदम कामयाबी के ठीक है अपने शोबे में सबसे अच्छी कारकरी करने वाला या वो शख्स जो अपने शोबे में आगे बढ़ना चाहता है वो क्या ऐसा ताकतवर सात कदम वाला फार्मूला इस्तेमाल करे कि वो अपनी फील्ड में या अपने शोबे में आगे बढ़े और जिसके इस्तेमाल से उसकी पूरी ज़िंदगी और मकासद तय करने में उसको मदद मिले ठीक है जो सेल्फ डिसिप्लिन होता है ये एक ऐसी सलाहियत है इंसान की जो उसको ये बताता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए बेशक वो फील करता है या नहीं करता ये बहुत आसान है आप वो काम करें जो आप करना चाहते हैं लेकिन ये बहुत मुश्किल है आप वो काम करें जो आप नहीं करना चाहते हैं। जब आप अपने आप को फोर्स करते हैं कुछ ऐसा काम करने के लिए जो आप नहीं करना चाहते there, तो ये आपकी ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ने में नहीं मददगार साबित हो सकता आपका फैसला आज का फ़ैसला आपका आपको आगे बढ़ने में कल मददगार साबित होगा कल से मुराद यहाँ पर मुस्तबिल है जो भी आपको करना है रहना है या जाना है आपका जो भी फैसला है वो आज करिए ताकि आप शुरू कर सकें ये सिंगल एक्ट जो आपका होगा मीनस ये एक फैसला कि मुझे ये चीज़ करनी है या नहीं करनी है या आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल देगा सात स्टेप्स क्या हैं सक्सेस के What इज़ द seven स्टेप्स टू सक्सेस देर इज़ अ पावरफुल seven स्टेप formula दैट यू कैन यूज़ टू सेट एंड अचीव योर गोल्स फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ बहुत आसान होता है ये कहना कि यह काम मैं नहीं कर सकती लेकिन बहुत मुश्किल होता है ये कहना कि ये काम मैं कर सकती हूँ लेकिन थोड़ी मुश्किल से जो सात स्टेप है सक्सेस का वो बहुत पावरफुल फार्मूला मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपने अपनी ज़िंदगी के मकासद पूरी जिंदगी के लिए किस तरह सेट करने डिसाइड वॉट यू वांट राइट इट डाउन सेट अ डेड लाइन मेक अ लिस्ट डिसाइड वॉट यू वांट का मतलब होता है कि आप फैसला करें आपको करना क्या है स्टेप नंबर वन क्या है स्टेप नंबर वन डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट इट इज़ यू वॉन्ट इन ईच पार्ट ऑफ योर लाइफ बिकम बिकम अ मीनिंगफुल स्पेसिफिक रादर देन अ वरिंग जैन आप यह फैसला करें कि मुझे करना क्या है जब सब आप सबसे पहले यह फैसला करेंगे कि आपको क्या करना है और आप क्या चाहते हैं जिंदगी में तो ये आपकी जिंदगी गुजारने का मकसद ले आएगी ये चीज़ ठीक है राइट इट डाउन लिखिए उसको क्या लिखें लिखें कि आपको करना क्या है ज़िंदगी में सेकेंड राइट इट डाउन क्लियरली एंड इन डिटेल कुछ लोग होते हैं ना वो रात को डायरी लिखते हैं उन्हें रात में डायरी लिखे बगैर नींद नहीं आती अच्छा करते हैं बहुत अच्छा करते हैं वो इसलिए क्योंकि वो डायरी में ये बताते हैं कि आज मैंने क्या किया और मुझे आज क्या नहीं करना चाहिए था और आज मुझे क्या करना चाहिए था या कल आने वाले कल में मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी ठीक है ऑलवेज थिंक ऑन पेपर अ गोल दैट इज़ नॉट इन राइटिंग इज़ नॉट अ गोल एट ऑल इट इज़ मेयरली अ विश एंड इट हैज़ नो एनर्जी बिहाइंड इट जो मकसद होता है जो आप अपने राइटिंग में नहीं लेकर आते वो मकसद नहीं है वो आपकी ये ख्वाहिश है लेकिन उस ख्वाहिश के पीछे कोई भी एनर्जी नहीं है कोई ताकत नहीं है सेट अ डेड एक डेड बनाइए थर्ड क्या है सेट अ डेड फॉर योर गोल अपनी जो ज़िंदगी में गोल है आपका मकसद उसका डेड लाइन बनाइए कि इसका आखिरी डेट जैसे हम एग्ज़ाम में फॉर्म की आखिरी डेट होती है ना कि आपका एग्ज़ाम जो है वो ट्वेंटी फिफ्थ को है फॉर एग्ज़ाम्पल ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ जुलाई को है और उसकी डेड लाइन फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेडलाइन है फिफ्टी ऑफ जुलाई फॉर एग्ज़ाम्पल ठीक है so third set a deadline for your goal a deadline acts as a forcing system in your subconscious mind it motivates you to do the things necessary to make your goal come true if it is a big enough goal set sub deadlines as well don't leave it don't leave this to chance so, tisra, ehem, Uh, मैं कहूँगी पॉइंट है वो है डेडलाइन बनाना डेडलाइन होती है कि आपकी कोई भी चीज़ का आखिरी टाइम क्या है मतलब मुझे कब तक करना है दो साल एक साल इधर ईयर और एर, और टू ईयर और थ्री ईयर और अगर कोई ऐसा गोल है जो बहुत बड़ा है तो उसकी सब डेडलाइन बना लीजिए कि ठीक है ये फिफ्टीन अगर फॉर एग्जांपल अगर ये फिफ्टीन अगस्त को नहीं हुआ या फोर्टीन अगस्त को नहीं हुआ तो ठीक है नो प्रॉब्लम मैं Uh, इसको सेप्टेम्बर तक रख लेती हूँ ठीक है लेकिन आपकी डेडलाइन क्या होगा सब कॉन्शियस में आपका क्या हो मतलब आपके सब कॉन्शियस में क्या होगा कि मुझे काम करना है ये आपको मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी बना देगा आपके लिए वो मकसद आपका लेकिन आपका मकसद एक अच्छाई की तरफ होना चाहिए यह आपने जहन में रखिए एक लिस्ट बनाइए ठीक है थीके? जो हमारा फोर्थ सक्सेस का रूल है वो है एक लिस्ट बनाना और डेडलाइन में कभी भी आप चांस पे मत रहिए कि हाँ छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ ठीक है चांस मिला तो कर लूँगी नहीं मिला तो नहीं करूंगी फॉर एग्जाम्पल पेपर की तैयारी चलो ठीक है टाइम हुआ तो कर लेती हूँ नहीं टाइम मिला तो अच्छा अच्छा ये क्वेश्चन छोड़ देती हूँ नहीं नो डोंट डू दैट आपको करना है एक स्पेसिफिक टाइम पे एंड दैट स्पेसिफिक टाइम नोन एज योर डेडलाइन मेक अ लिस्ट एक लिस्ट बनाइए फोर्थ क्या है मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग दैट यू कैन think of that you're going to have to do to achieve your goal when you think of new tasks and activities write them on your list until your list is complete jo chautha hai ya fourth list hai meri list mein jo main abhi aapko batane ja rahi hu wo hai कि आप एक लिस्ट बनाइए जिसमें आपको आप लिखें कि मैं क्या अचीव करने जा रही हूँ अपना कौन सा मकसद जब आप न्यू टास्क और एक्टिविटी लिखते हैं अपने लिस्ट में उस वक्त तक लिखिए जब तक आपका वो टास्क या चीज़ कंप्लीट ना हो जाए ऑर्गेनाइज योर लिस्ट इसका क्या मतलब है फिफ्थ जो है वो ऑर्गेनाइज योर लिस्ट इनटू अ प्लान है डिसाइड व्हाट यू विल फर्स्ट एंड व्हाट यू विल हैव टू डू सेकंड डिसाइड व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट एंड वट इज़ लेस इम्पॉर्टेंट एंड देन राइट आउट योर प्लान ऑन पेपर द सेम वे यू वुड डेवलप अ ब्लू प्रिंट टू बिल्ड योर ड्रीम हाउस फिफ्ट क्या है ऑर्गेनाइज करें एक लिस्ट को अपने प्लान की और ये फैसला करें कि ये काम पहले करना है ये काम बाद में करना है और ये भी डिसाइड करिए कि ये चीज़ ज़रूरी है और ये चीज़ थोड़ी कम अहमियत रखती है मतलब कम ज़रूरी है और उसके बाद उसको एक प्लन पेपर में लिखिए बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने ख्वाबों के घर बनाने के लिए एक ब्लू प्रिंट में या एक समझ लें आप एक डेवलप करते हैं ना एक अपना स्केच बनाते हैं या खाका बनाते हैं कि अच्छा मेरा ड्रीम हाउस ऐसा होना चाहिए टेक एक्शन टेक एक्शन सिक्स स्टेप क्या है टेक एक्शन स्टेप इज फॉर यू टू टेक एक्शन ऑन योर प्लान डू समथिंग डू एनी थिंग बट गेट बिजी गेट गोइंग सिक्स स्टेप जो है वो है टेक एक्शन अपने प्लान में एक्शन लेना है कुछ करिए कुछ भी करिए कोई अच्छा काम कोई नेकी का काम कोई गोल लेकिन बिजी रखिए अपने आप को आगे बढ़िए जो आपकी ज़िंदगी में आपका बिजी रहना है ना ये आपकी ज़िंदगी में एक टाइम ऐसा भी आता है जब आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद देता है ये जो यंग टाइम हमारे पास अभी है दोबारा अलॉट कर नहीं आएगा सो टेक एडवांटेज ऑफ इट दिस यंग टाइम दिस वी आर यंग नाव मोस्ट ऑफ द पीपल आर यंग नाव दिस टाइम विल नेवर एवर रिटर्न बैक टेक यूज ऑफ इट डू समथिंग एवरी डे हर दिन कुछ ना कुछ करिए डू समथिंग एवरी सिंगल डे दैट मूवस यू इन द डायरेक्शन ऑफ योर मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल एट द मूमेंट डेवलप द डिसप्लिन ऑफ डूइंग समथिंग थ्री सिक्सटी फाइव डेज ईच दैट इज मूविंग यू फॉरवर्ड यू विल भी एब्सोल्यूटली एस्टॉनिश्ड At how much you accomplish when you utilize this formula in your life every single day? जिंदगी में कुछ करिए हर सिंगल दिन हमारे पास पूरे साल में तीन सौ पैंसठ दिन होते हैं जो हमें आगे बढ़ने में मददगार हमारा साबित होते हैं अगर हमने अपनी ज़िंदगी में कुछ गोल रखा होता है आप यकीनन बहुत हैरान होंगे एस्टोनिश हियर मीन्स हैरान होना कि आपने कितना अकम्प्लिश कर लिया कितना हासिल कर लिया है जो भी जो फार्मूला आपने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ने के लिए यूज़ किया था हर सिंगल दिन उसने आपको कितना कुछ फ़ायदेमंद चीज़ दी है एक्शन एक्सरसाइजिस वट डज इट मीन हेयर आर टू थिंग्स यू कैन डू टू पुट दिस आइडियाज़ इन टू एक्शन इमीडिएटली जो चीज़ आपने लिखी है अब उसको एक्सरसाइज में उस पर अमल दरामद कैसे करना है और वो ये है कि दो चीज़ें जो आपके आइडियाज को फ़ौरन एक्शन में इमीडिएटली का मतलब होता है फ़ौरन एक्शन में आपको आपके एक्शन मीन्स आपके जो आपने गोल लिखे हैं उसको एक्शन में कन्वर्ट कर देगा फ़ौर वो क्या है फर्स्ट डिसाइड एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट राइट इट डाउन विद अ डेड लाइन अ प्लान एंड टेक एक्शन ऑन एट लीस्ट वन गोल टूडे पहले आप डिसाइड करें कि मुझे मैं क्या चाहता हूँ या मैं क्या चाहती हूँ उसको लिखिए उसका डेडलाइन लिखिए कि ठीक है मुझे इस टाइम तक फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ये गोल है कि मुझे एक किताब लिखनी है एक बुक लिखनी है और मुझे एक साल के अंदर अंदर लिख देनी है ठीक है उसका फॉर एग्जांपल आप डेडलाइन लिखिए कि चलें ये एक साल में कंप्लीट नहीं होती है तो मेरी सेकंड डेडलाइन वन एंड हाफ ईयर है डेढ़ साल में मुझे कंप्लीट करनी है उसका एक प्लान बनाइए कि मुझे हर दिन कितना कितना उस बुक के लिए लिखना है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मिसाल दे रही हूँ आप लोगों को ठीक है और उसके बारे में एक्शन लीजिए हर दिन कुछ ना कुछ लिखिए एटलीस्ट अपना एक गोल तो आप लिखिए ही पेपर में आज के दिन सेकंड क्या है डिटरमाइन द प्राइस यू विल हैव टू पे टू अचीव दिस गोल एंड देन गेट बिजी पेइंग द दैट प्राइस वट एवर इट इज़ और सेकंड क्या है कोशिश करिए कि ये आपको इसकी कीमत क्या देनी है जो आपको अचीव करना है गोल उसकी प्राइस क्या है प्राइज होता है आपका टाइम आप टाइम देते हैं सही है और उसमें अपने आप को बिज़ी करिए कि मैं जितनी भी प्राइस है वो दूंगा या दूंगी मैं जितना भी टाइम है वो दूंगा या दूंगी जिंदगी में हर इंसान के अपने अलग अलग मुख्तलिफ़ गोल्स होते हैं एवरी पर्सन हैज़ हिज और हर ओन गोल्स इन लाइफ आई होप माई दिस लेसन ग टुडे विच आई हैड एक्सप्लेन इन वेरी मच डिटेल गोना बी फ्रूटफुल फॉर ऑल माई सब्सक्राइबर फॉर ऑल द पीपल हु आर लिसनिंग टू मी एट दिस टाइम थैंक यू सो वेरी मच for subscribing my channel and for all your appreciation thank you so much